साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी भाई। आज अपन बात करेंगे गल्फ से रिलेटेड, और न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना भाई। पूरा देखोगे तो कुछ बातें समझ में आएंगी। अगर हज़ारों देखते हैं, सैकड़ों को भी समझ में आती है, तो मैं ये मानता हूं कि अपना वीडियो बना के जानकारी देना सार्थक होता है। वीडियो पूरा, ये वीडियो ज़रूर देखना, रिक्वेस्ट आपसे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो अब बात करते हैं गल्फ से रिलेटेड। देखिए गल्फ क्या, पूरे वर्ल्ड की स्थिति आपको पता है, कोरोना में महामारी में एकदम चपेट सिस्टम पूरा चल रहा है। इंडिया की जो हालत है, ठीक है, वो ही उन कंट्रियों की हालात है। इंडिया में भी बेरोज़गारी बढ़ेगी और उन कंट्रियों में भी बेरोज़गारी बढ़ेगी जिनके पेटे हम खुश हो रहे हैं कि हम तो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ये बुरी खबर, मैं अच्छा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये बैड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और आपकी आगे आने वाली जो सोच है, अभी जो सोच चल रही है उसके हिसाब से भी मैं बातें करूँगा। गल्फ में एक ओमान कंट्री है, आपको सबको पता ही है, जिसकी जनसंख्या मात्र 46 लाख यानी 46 लाख पूरी टोटल जनसंख्या, यानी एक छोटी सी कंट्री है ये, मान लीजिए 46 लाख का मतलब ये समझ लीजिए एक बॉम्बे जितना समझ लीजिए, उतनी वो पूरी कंट्री है। सिक्का बहुत अच्छा है, इंडिया के कम से कम वहाँ पे लगभग 7-8 लाख आदमी मजदूर वहाँ पे काम करते हैं और कमाने के लिए गए हुए हैं, ठीक है साथियों। यानी वहाँ की जो जनसंख्या है उसका 17% इंडिया के लोग वहाँ पे रहते हैं, काम कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल कुछ का बिजनेस है, बाकी 90% लोग वहाँ पे मजदूर यानी समझ गए आपको, मजदूरी टाइप का काम करते हैं। और पूरी गल्फ की यही स्थिति है भाई, पूरी गल्फ में लगभग 1 करोड़ के करीब इंडिया के वर्कर हैं, और वहाँ पर या इंडिया में भाई हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पर करते हैं, वहाँ नहीं देखा जाता ये हिंदू है ये मुस्लिम है। जो जॉब निकलते हैं वो एक, जैसे गल्फ में दुबई के कंट्री का जॉब निकला तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये उस धर्म का चलेगा उस धर्म का नहीं, वो सब के ऊपर कॉमन बातें होती है। और ओमान का दो चार लगभग 10-15 दिन पहले एक वो राजकुमारी ने एक ट्वीट भी किया था, आपने सुना ही होगा, बड़े खुश हो रहे थे। यहाँ पे मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, नोट कर लीजिए मेरी बात को, मैं सिर्फ जो 100% सच्चाई है वही आप लोगों के साथ मेरी बातें हैं वो शेयर कर रहा हूँ, बस इतना सा मकसद है। लोग शेयर, मैंने भी वीडियो बना के आप लोगों सबको बताया था, लेकिन एक बात याद रखना भाई, ये जो नाखून है ना अपने, ये नाखून है, ये अंगुली से दूर नहीं हो सकते, अगर इनको उखाड़ भी देंगे तो फिर निकल जाएंगे, दोबारा से निकल जाएंगे, समझ गए। वो कहावत आपने सुनी भी होगी कि नाखून कभी अंगुली से अलग नहीं हो सकते, ये सच्चाई है। ओमान की गवर्नमेंट ने आज की डेट में फरमान निकाल दिया है भाई, सब कंपनियों को आदेश दे दिया, इंपॉर्टेंस अपनी लोकल लोगों को दीजिए, बाकी के बाहर के लोग हैं उनको छुट्टी कर दीजिए, सब के सब निकालो उनमें। आप सोच लीजिए, मैं साथ में आज की रिपोर्ट वो भी शेयर करूंगा, ये कोई मनगढ़ंत बातें या कोई सोशल मीडिया पे निकली हुई बातें नहीं, ये सच्चाई की बातें, आज की डेट की ये न्यूज़ है। ओमान गवर्नमेंट में इंडिया के 17% यानी 8 लाख आदमी रहते हैं, अब उनका क्या होगा जी, आप थोड़ा सोचिए। उसकी गवर्नमेंट रीज़न बता दूँ, सीधी सी बात है, कोरोना महामारी चल रहा है, आर्थिक स्थिति हर कंट्री की डाउन है, जिन कंट्री का 1 का 200 बनता है उनकी ये हालत हो गई, तो भाई इंडिया का क्या होगा, आप थोड़ा गौर करिएगा मेरी बात को। गवर्नमेंट ने साफ आदेश दे दिया कि फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल ओमानी लोगों को दी जाए, और उसको जो अगर वहाँ पे उनको दूसरी कंट्रियों को अगर निकालना है तो उनको निकाल दीजिए। गवर्नमेंट ने आदेश कंपनी को दिया, सख्ताई के साथ 2021 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कोरोना जब तक ख़त्म होगा ना 2020 में, तब तक ये रिकवर कर लेंगे, बाहर के देशों को बोल देंगे जाओ आप अपनी घर जाके बैठो, हम हमारे लोगों को काम पे लगाएंगे। अब वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है कि हिंदुओं को निकाल देंगे या हिंदुओं को रख लेंगे मुसलमानों को निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सेम सिस्टम रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि हर कंट्री की हालात हैं, दुबई के हालात देख लो, मेरे मोबाइल में दिन में 500 मैसेज आते हैं, सर कंपनी ने जॉब से निकाल दिया, कंपनी में जॉब नहीं है, इस वजह से 60% लोग तो जॉब नहीं होने की वजह से आएंगे, जो लाखों रुपए लगा के खर्च करके गए थे ना, उनको शौक नहीं आने का, लेकिन उनकी मजबूरी है। और सऊदी का देख लो, कुवैत का, यानी गल्फ कंट्रियाँ टिकी किस पे है, आप दिमाग लगाइए कि आपकी एग्जाम्पल है कि आप कोई मान लीजिए मजदूरी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का आपका जॉब है, 9,000-10,000 रुपये आपको मिलता है किसी कंपनी में, आपका घर अच्छे से चल रहा है, अगर वो जॉब आपको छोड़ दोगे तो आपके घर का क्या होगा। गल्फ कंट्रियाँ किस बेस पे टिकी हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पे टिकी हैं, आपको पता है तेल पे टिकी हैं। और 2014 से आज की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से तेल के भाव डाउन हो रहे हैं विदेशों में, इंडिया में बढ़ रहे हैं लेकिन वहाँ डाउन हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अभी कोरोना में तो देख लीजिए आप क्या हालत हो गई,
यानी अभी पीछे न्यूज़ आई थी कि पेट्रोल पानी से सस्ता मिल रहा है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका पैसा अगर पेट्रोल नहीं बिकेगा तो आएगा कहाँ से, नहीं आएगा तो भाई जॉब का ये सिस्टम कहाँ से रहेगा, तो बेरोजगारी तो बढ़नी है। और ये मान के चलिए कि वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी ना, तो हमारे 1 करोड़ इंडियन लोग हैं उनको जॉब नहीं देंगे वो, एशिया के लोग हैं 2.5 करोड़ प्लस एशिया, यानी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली जितने भी हैं टोटल 2.5 करोड़, उनमें 1 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन है, वो उनको नहीं रखेंगे, हमारे को नहीं रखेंगे वो। सबसे पहले आप बोलो आप तो जाओ घर, हम हमारे बंदों को यहाँ पे जॉब देंगे, ये कड़वी सच्चाई है। हम अपनी गवर्नमेंट को गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कमेंट पढ़ता रहता हूँ मैं और भी देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ भाई 15 घंटा 18 घंटे, तो ज़्यादा नॉलेज होता है इन चीज़ों का। गाली दे रहे हैं लेकिन ये नाखून है ना, ये यहीं रहने हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, उखाड़ भी देंगे तो दोबारा आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? गल्फ कंट्री निकाल देगी तो इंडियन अपना देश, अपने ही काम, अपनी हेल्प इंडियन कंट्री कर पाएगी, इंडियन सरकार ही कर पाएगी, वो नहीं करेंगे। अब देख लो ओमान का एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल प्रूफ के साथ ये बातें बता रहा हूँ। वहाँ पे थोड़ा सा संकट आते घोषणा कर दी गवर्नमेंट ने कि बाहर के बाहर को उनको छुट्टी करो, अपने लोगों को रखो, और ये गल्फ में अगर हो जाएगा तो आप इंडिया आ जाओगे। इंडिया की हालात आपको पता है क्या है, 15 करोड़ इंडिया में जॉब वैकेंसी खत्म हो जाएंगी 2020 में, जिसमें से 1 करोड़ के लगभग जॉब अभी तक खत्म हो चुके हैं 2 महीने के दौरान। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सर्वे बोल रहा है, रिपोर्ट बोल रही है ये। और आप लोग हिंदू मुस्लिम करते रहना, वो हिंदू उसका मार दिया और वो मुस्लिम मार दिया, और हमारे हम नेताओं का कहना मानते हैं ना, नेताएँ छोटी छोटी ट्वीट कर देते हैं उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, नेता बोलते हैं कि धर्म के नाम पे लड़ाई कराना, समझ रहे हो आप बात को, लड़ाई झगड़े करवाना, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना। धर्म गुरु बोलते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, मुस्लिम धर्म खतरे में, क्या होगा भाई इसका? मैं हजारों सालों पुराना जो धर्म है वो खतरे में है, खत्म होता तो आज तक खत्म क्यों नहीं हो गया होता? ये सिर्फ देखिए मैं बता दूं, नेताओं का काम, अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी। मैं एग्जांपल दिया था सिक्योरिटी गार्ड का, आप जॉब कर रहे हो, अगर वो जॉब छूट गया तो आप तो घर बैठ गए। नेता हैं जो अगर ये अपने को ये इस तरह से करके नहीं रखेंगे तो उनकी उनकी रोटी उसी से चलती है, वो उनका रोजगार है, वो उनका बिजनेस है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम से लड़ाएंगे तो हम उनके पक्ष में जाएंगे, वोट करेंगे, वो MLA बना देंगे, वो सरपंच बना देंगे, वो विधायक बन गया, फलाना बन गया। और धर्मगुरु सेम कंडीशन है, कोई जातिवाद के नाम से लड़ा रहा है, कोई धर्म के नाम से लड़ा रहा है, बात तो वही है ना। और पिसता कौन है, मरता कौन है? आप हमेशा नोट करना, ये जो फार्मूला चल रहा है अभी 2020 में महामारी जो होने वाली है, ये वर्ल्ड रिपोर्ट बता रही है और इंडिया में भी होने वाला है भाई। इंडिया में 15 से 20 करोड़ जॉब लेप्स हो जाएंगे, जो हैं उसमें से नए जॉब तो आएंगे कहाँ? अब अभी जो इंडिया के बाहर के लोग 1 करोड़ हैं, उनमें से 20-25 लाख आदमी इंडिया में आ जाएंगे, उनको क्या इंडिया में जॉब मिल जाएगा? इम्पॉसिबल है। भूख कौन मरेगा? नेता मरेंगे, धर्मगुरु मरेंगे, जिनके पीछे हम पागल होकर कुत्तों की तरह दौड़ रहे हैं, उनके कहने से एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, बोलना बंद कर देते हैं, समझ रहे हो? वो भूख नहीं मरेंगे, उनकी रोजी रोटी ऐसे चलनी है, उनकी बैंकें भरी पड़ी है। भूख हम लोग मरेंगे, आप लोग मरोगे जो 20-30 हज़ार की जॉब कर रहे हो ना, और उनके कहने में आके आप बर्बाद हो जाओगे। अभी ये कोरोना महामारी है, किसी के हाथ में नहीं है, लोग कितने बेरोजगार होंगे? मुझे एक बंदा बता दो कि आपको नेता घर आके राशन दे देगा, या आपके धर्मगुरु आपको दे देंगे, ये ले तू खा 6 महीने का राशन देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ हेल्प कर सकती है तो गवर्नमेंट, भारत की सरकार हेल्प करेगी। सरकार की, मैं यहाँ पे मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कठिन परिस्थिति में अपने नागरिकों की सुरक्षा करें और खाने की व्यवस्था करें, सरकार ही करेगी, नहीं तो धर्म के नाम से अपने को बेवकूफ़ बनाते हैं वो करेंगे, और नहीं जो नेता लोग हैं ना वो अपनी रोटी, अपना रोटी सेकने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ाते हैं वो करेंगे, कोई नहीं करेगा। मेरा कहने का इतना सा मतलब है कि ये स्थिति होने वाली है गल्फ कंट्री में। ओमान ने बोल दिया छुट्टी करो, आप अपनी कंट्री जाओ, आप बताओ जी क्या होगा? मरेगा तो गरीब आदमी, साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, मरता गरीब ही है। ये कहीं पर भी एग्जाम अजमा कल आप देख लीजिए। बस साथियों, आज की जानकारी बस यही, आप लोगों को एहसास, मैं मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बता दी। एक ओमान का तो एग्जांपल है, आगे देखिए बहुत सारी कंट्रियां ये बैन लगा देगी कि हमारे पास जॉब नहीं है, माफ़ करो आप अपनी कंट्री जाओ, इंडिया के हालात आपको सामने हैं, क्या होगा भाई? भूख मरेंगे लोग, अभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, जातिवाद के नाम पर लड़ रहे हैं, समझ रहे हो बात को? फिर लड़ाई भूल जाएंगे लोग, रोजी रोटी के लिए तरसेंगे, ये स्थिति हो जाएगी लोगों की। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है, किसी के बहकाव में ना आके अपने माइंड को थोड़ा सा दिमाग में रखे, शांति से सोचिए परिवार के बारे में। धर्म है ना, धर्म लाखों हज़ारों साल पुराना है, वो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा।
जातिवाद सब कुछ यहीं रह जाएगा, इन लोगों के चक्कर में आके हम लोग आपस में लड़ते हैं। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कम से कम ये मान लीजिए 18 घंटे ऑनलाइन रहता हूँ मैं, इस वजह से देख देख के दिमाग ख़राब होता है। इस वजह से मुझे भी आप लोगों को ये बातें बोलनी पड़ती हैं। हालांकि अपना ये टॉपिक नहीं है, हम नहीं तो कोई नेतागिरी कर रहे हैं, नहीं कोई धर्मगुरु हैं, लेकिन क्या करें, विचार आते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि भाई जो भी नई अपडेट होगी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।